बिहार के कटिहार में बारसोई प्रखंड कार्यालय पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के हक की आवाज बंदूक की गोलियों से दबा दी। घटना बारसोई के बिजली दफ्तर की है, जब प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। दरअसल बारसोई प्रखंड के कार्यालय पर सैकड़ों ग्रामीण बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन इसी बीच प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल हो गए, जिसने बिजली दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने दफ्तर में लगे बिजली के उपकरणों को जमकर नुकसान पहुंचाया और खूब तोड़फोड़ की, जिसके बाद भी मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को समझाया, लेकिन समझाने के सारे प्रयास विफल रहे तो हालात पर काबू पाने के क्रम में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। शुरुआती में तो पुलिस ने हवाई फायरिंग की, लेकिन जब बात इससे नहीं बनी तो कुछ फायर उपद्रवियों पर भी किए गए, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी और 2 लोगों की जान चली गई। टोटल 3 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें एक मृत्यु जो है वहाँ स्पॉट पे हुई थी और एक जो है रात में जो है मृत्यु जो कटिहार मेडिकल कॉलेज में हुई थी, और एक जो है उनका इलाज चल रहा है, हम लोग उनके फैमिली से कंसल्ट में हैं, हम लोग वहाँ सिलीगुड़ी में उनका इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति अभी ठीक है। तो बाकी जो सिचुएशन था वहाँ पर उन लोग के अनुसार कि काफ़ी हम लोग भी देखे, एक भी सामान ऐसा नहीं था जिसको कि तोड़ा नहीं गया। तो आत्मरक्षा में जो है कुछ प्रशासन के द्वारा जो है फायरिंग की गई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस के सामने यह नौबत क्यों आई? क्या पुलिस के गोली चलाने से पहले बाकी तरीकों पर विचार नहीं करना चाहिए था? क्या फायरिंग से पहले पुलिस को वाटर कैनन या ज्यादा बल के साथ दूसरे उपाय नहीं करने चाहिए थे? क्योंकि इसी महीने यह दूसरी घटना है जब पुलिस की बर्बरता सामने आई है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल के निशान खड़ी कर रही है। बीते कुछ दिनों पहले बिहार के नई शिक्षक भर्ती नियमावली और चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद डिप्टी सीएम पद से तेजस्वी यादव को नहीं हटाए जाने के विरोध के साथ 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे पर सवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा मार्च लहूलुहान हो गया। आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार और अंधाधुंध लाठीचार्ज से कई बार भगदड़ मची। लाठी की मार और भगदड़ में गिरने से कई नेताओं के हाथ पैर टूटे, जिसमें जहानाबाद के भाजपा के एक नेता की मौत हो गई थी। और अब एक बार फिर बिहार में वर्दी की गुंडई सामने आई है, जहां पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों ने जान गंवाई है। उधर पुलिस प्रशासन की इस कार्यप्रणाली पर बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। और जब जनता प्रोटेस्ट करती है तो गोली मारते हैं, लोग मारे जाते हैं, ये क्या हो रहा है सुशासन बाबू आपके बिहार में? ये बहुत पीड़ादायक है। मतलब गर्मी में लोग बिजली के लिए पीड़ित रहते हैं, दुखित रहते हैं। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ, बहुत भर्त्सना करता हूँ, और इसकी जांच का ही सवाल नहीं है। आपकी पुलिस ट्रिगर हैप्पी क्यों हो गई है? कभी पटना में एमपीस को लाठी से पिटवा देते हैं आप, भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ पैर तोड़ देते हैं आप, महिलाओं को भी छोड़ती नहीं है आपकी पुलिस, हमारी भाजपा की वरिष्ठ नेत्रियों को। कटिहार की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार नीतीश कुमार जी जो लाठी गोली की सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री बने थे, आज उन्हीं की सरकार में लाठी गोली की सरकार हो गई। पटना में लाठी और कटिहार में गोली, ये कैसी सरकार है? ये सुशासन की सरकार कहलाती थी, अब लाठी गोली की सरकार हो गई। बहरहाल प्रशासन भले ही इस मुद्दे पर जांच कराने की बात कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।